नमस्कार, आज बात करेंगे नेपाल के एक विशाल साम्राज्य खस साम्राज्य के बारे में। कुछ बातें जो फैला था कुमाऊ, गढ़वाल, हिमाचल, कश्मीर का कुछ हिस्सा, तिब्बत का कुछ हिस्सा, आज के नेपाल का 40% हिस्सा, यानी कह सकते हैं कि ये एक विशाल खस साम्राज्य था। खस वही लोग हैं जिन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, और जब पांचाओ और कनिष्क के बीच में भारत चाइना लड़ाई होती है तो उस समय पांचाओ पहले युद्ध में जीत जाते हैं और कनिष्क को हरा देते हैं। फिर कनिष्क खसों की एक बड़ी सेना लेकर पांचाओ पे अटैक करते हैं और पांचाओ को हरा देते हैं। हालांकि इसमें किराती लोगों ने भी साथ दिया था। ये खस वही लोग हैं जिन्होंने आचार्य चाणक्य का साथ देते हुए महाराज चंद्रगुप्त की सेना से गठबंधन बना के सिकंदर के सेलुकस, जिसने कि भारत के बहुत सारे भूभाग को जीत लिया था, अंततः चंद्रगुप्त की सेना यानी खसों के सहयोग से बनाई गई एक सेना ने सेलुकस को भी पराजित कर दिया और भारत से मैसेडोनिया की जड़ें समाप्त कर दी, यानी सिकंदर की जड़ें समाप्त कर दी। ये वही खस लोग थे। भारत के हर युद्ध में खस लोगों ने भाग लिया हो, चाहे वो भारत के विपक्ष से लिया हो, चाहे वो भारत के पक्ष से लिया हो, लेकिन खसों ने भारत के हर युद्ध में भाग लिया है। आज जो गोरखा सेना दिखाई देती है उसमें भी खसों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो बात करते हैं ये खस साम्राज्य को बनाया किसने था। खस कौन लोग हैं इस पर बात नहीं होगी क्योंकि ये बड़े विवाद का विषय है। बस आप केवल इतना जानें कि पहाड़ों में रहने वाली एक जाति है जिसको खस आर्य कहा जाता है। खस आर्य कौन है ये हम किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। कश्मीर से कुछ कबीले आगे बढ़ते हैं जो हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल तक जा पहुंचते हैं, और इधर कश्मीर से तिब्बत के कुछ हिस्सों तक खस लोग कब्जा कर लेते हैं और तिब्बत में भी अपनी राजधानी बना लेते हैं, जिसे आज खारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी साम्राज्य की, माफ कीजिए, खारी प्रदेश उस समय तक कोई साम्राज्य नहीं था बल्कि एक छोटा सा राज था। इसी राज में से एक जावेश्वर नाम के व्यक्ति निकलते हैं जिनको बाद में नागराज या नागदेव की उपाधि से नवाजा गया था। हालांकि इसका असली जो नाम था वो जावेश्वर था। इनको नागराज का नाम देने का मुख्य कारण ये था कि कश्मीर से हिमाचल की तरफ बढ़ते हुए जब गढ़वाल और हिमाचल के बीच में नागराज नाम की एक जगह है, कश्मीर के बाद दूसरी राजधानी नागराज नाम की जगह पर बनती है, और वहीं से ये लोग उठ के चले जाते हैं तिब्बत की ओर। तिब्बत के कुछ भागों को जीतते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं नेपाल जुमला में और जुमला को अपनी राजधानी बना देते हैं। फिर ये वहां से आगे बढ़ते हुए गढ़वाल को कब्जा कर लेते हैं, कुमाऊ को भी कब्जा कर लेते हैं। हालांकि कहा जाता है कि ये गढ़वाल और हिमाचल के बीच की कुछ जगहों से ही ये लोग तिब्बत की ओर आगे बढ़े थे, लेकिन जब ये लोग तिब्बत पहुंच गए तो इनके हाथ से गढ़वाल का और हिमाचल का एरिया छूट जाता है, जिसे ये दोबारा कब्जा करते हैं। और नेपाल की तरफ से कुछ छोटे छोटे जो राज थे उनको ये लोग कब्जा भी करते हैं, और जिन राज्यों को कब्जा नहीं करते हैं उनको टैक्स सालाना रकम चुकाने के लिए कहते हैं। जैसे काठमांडू भी खस साम्राज्य के अधीन तो बहुत कम आया था, यानी कह सकते हैं 30-40 सालों के लिए ही आया था, बाकी समय में काठमांडू ने खस साम्राज्य को टैक्स दिया है। गोरखा साम्राज्य में भी लगभग खस लोग ज़्यादा दिन नहीं रह पाए क्योंकि इनका साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया था। आप खुद ही देख लीजिए, जुमला से लेके और कश्मीर के कुछ हिस्सों तक और तिब्बत का कुछ एरिया इसमें शामिल था। लगभग कह सकते हैं कि ये 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में पहुंचा था। अब हमारे भारतीय मित्र कहेंगे कि
केवल 3 लाख वर्ग किलोमीटर का ही साम्राज्य कैसे हो गया। देखिए दोस्तों, भारत में जो साम्राज्य हुए हैं वो बड़े साम्राज्य हुए हैं। मुगल साम्राज्य 44 लाख वर्ग किलोमीटर, मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किलोमीटर, चंद्रगुप्त का साम्राज्य 40 लाख वर्ग किलोमीटर, और सम्राट अशोक के साम्राज्य को कहा जाता है यह 48 लाख वर्ग किलोमीटर में पहुंच गया है। और बिंबसार जो थे सम्राट बिंबसार, उनका जो क्षेत्रफल है वो कहा जाता है कि उनका जो कब्जा था वो 16 महाजनपदों पर था, यानी 16 महाजनपदों में राजा होते थे और बिंबसार सम्राट थे, यानी सम्राट बिंबसार के अधीन ही 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों का क्षेत्रफल अफगानिस्तान से लेके और म्यांमार तक था। तो कह सकते हैं कि भारत में जो साम्राज्य हुए वो काफ़ी विशाल हुआ करते थे। लेकिन हिमालय पर भी जो 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर का खस साम्राज्य फैला, यह भी काफ़ी बड़ा माना जाना चाहिए, क्योंकि कितने राज्यों को कब्जा किया ये माना जाना चाहिए। और दोस्तों, माना जाना नहीं चाहिए बल्कि यही माना जाता है कि किस राजा ने कितने राजाओं को हराया। तो खस साम्राज्य की स्थापना करने के लिए नेपाल के 30 से ज़्यादा छोटे छोटे राज्यों को हरा दिया गया, जबकि बिंबसार ने केवल 16 जनपदों को हराया था। हालांकि बिंबसार द्वारा हराए गए जो जनपद थे वो बड़े थे, क्योंकि ये मैदानी एरिया था और मैदानी एरियों में जनसंख्या और क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, पहाड़ी एरियों में जनसंख्या भी कम होती है और हिमालय का क्षेत्रफल भी कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस पूरे क्षेत्रफल को या इस पूरे क्षेत्र को कोई एकीकरण कर पाया वह अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और जिसने इस क्षेत्र का एकीकरण किया वो है खस साम्राज्य। हालांकि खस साम्राज्य नेपाल के 50% हिस्से को कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि उन क्षेत्रों में लिम्बुवान, थारुवान जैसे और भी छोटे छोटे राज्य थे जो खस साम्राज्य के खिलाफ हमेशा विद्रोह करते रहते थे। यह खस जो साम्राज्य है ये 400 सालों तक चला। पृथ्वी मल्ल इसके अंतिम राजा हुए। आप खस साम्राज्य का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं, जब ये टुकड़ों में बंटा तो इसमें से 22 और 24 यानी 46 छोटे छोटे राज पैदा हुए। और इन 22-24 जो राज थे इनमें खस साम्राज्य का पूरा क्षेत्रफल था, जो कि लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जाता है अलग अलग पुस्तकों के हिसाब से। हिमालय पे बना हुआ ये सबसे बड़ा साम्राज्य है। खस साम्राज्य की 85% भूमि नेपाल के पास नहीं है, कुछ भारत के पास है और कुछ चाइना के पास है। हिंदू धर्म को मानने वाले खसों ने भारत के एक राजा बृहदत्त की सहायता करके और यवनों के आक्रमण को भी भारत से भगाया। नेपाल के लोग जो ग्रेटर नेपाल का दावा करते हैं वो कुछ खस आर्यों की, माफ कीजिए, नेपाल के लोग जो ग्रेटर नेपाल का दावा करते हैं वो खस साम्राज्य को लेकर ही करते हैं। हालांकि उनमें गोरखा साम्राज्य की भी बात है। गोरखा साम्राज्य 2,05,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा किया और खस साम्राज्य का जो कब्जा था वो लगभग 3 से 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर कब्जा था। यानी नेपाल में जो सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ है वो खस साम्राज्य हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि खस साम्राज्य पर गढ़वाल कुमाऊं के लोग दावा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये हमारा साम्राज्य था, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं या हिमाचल यहाँ आज भी 80% खस आर्य लोग रहते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार यहाँ के आदमी अपने को खस आर्य नहीं कह सकते हैं। जिस प्रकार जंग बहादुर राणा ने नेपाल में कहा कि आप अपने को क्षत्रिय कहें, खस ना कहें,
खस कहने पे जंग बहादुर राणा ने बाकायदा सजा का प्रावधान किया था। जो आदमी अपने को खस कहेगा उसको सजा दी जाएगी। इस प्रकार का कानून जंग बहादुर राणा ने बनाया था। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी कानून बना कि आप अपने को खस नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे नेपाल में जंग बहादुर राणा हो या शाह परिवार हो, ये राजस्थानी परिवार थे और ये खसों से अलग थे। तो राणा फैमिली ने या शाह फैमिली ने खसों को क्षत्रिय बनाया। क्षत्रिय जो शब्द है यह हिंदू परंपरा यानी भारतीय शब्द है, भारतीय वर्ण व्यवस्था का शब्द है और प्राचीन जो खस थे वो भारतीय वर्ण व्यवस्था में नहीं थे। बाद में उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था को जरूर अपनाया है। तो जंग बहादुर राणा ने इसलिए कहा ये चीजें या ये नियम इसलिए बनाया ताकि सब अपने को क्षत्रिय समझें और जंग बहादुर राणा का कोई विरोध ना करे। और गढ़वाल में भी समथिंग लगभग यही हुआ, इसलिए आज गढ़वाल के लोग अपने को खस नहीं कहते हैं। जबकि आप गहराई से देखेंगे तो गढ़वाल में आज भी 80% आपको खस ही मिलेंगे। हालांकि खसों की जनसंख्या नेपाल में बहुत कम है। खसों की टोटल जनसंख्या हिमालय में देखेंगे तो लगभग आपको 4 करोड़ के लगभग मिलेगी, लेकिन नेपाल में इनकी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 लाख से ऊपर नहीं होगी, शायद कन्फर्म नहीं कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि नेपाल में खसों की जितनी जनसंख्या है टोटल जनसंख्या में, नेपाल में केवल मुश्किल से 15 या 20% ही होंगे। बाकी सारे जो खस हैं वो भारत में ही हैं। और गढ़वाल और कुमाऊं चाहे तो खस साम्राज्य पर दावा ठोक सकते हैं कि ये हमारा साम्राज्य है। हालांकि उस समय नेपाल में जो खस साम्राज्य बना था उसका ही भाग हुआ करता था। गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ये खारी प्रदेश इसका हिस्सा हुआ करता था। इस खस साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था गढ़वाल, कुमाऊं। लेकिन आज के जमाने में यदि हम बात करते हैं तो खस साम्राज्य केवल नेपाल का ही बनकर रह गया, जबकि खस साम्राज्य की केवल 40% भूमि नेपाल में है। तो इसका दोस्तों मुख्य कारण यह है कि खस साम्राज्य की जो राजधानी थी सिंजा, वो नेपाल में ही है, यानी नेपाल के नेपाल की भूमि से ही ये सारा साम्राज्य कंट्रोल किया जाता था। इसलिए कह सकते हैं कि खस साम्राज्य नेपाल का ही है। बाकी दावा तो हम भी खस साम्राज्य पे ठोक सकते हैं कि ये हमारा साम्राज्य था, नेपाल का नहीं था, क्योंकि इसकी 40% भूमि ही केवल नेपाल में है। बाकी भूमि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा भारत में है और कुछ चाइना में है। दोस्तों निश्चिंत रहें, भविष्य में खस साम्राज्य की बातें या खस साम्राज्य पर भारत की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई दावा पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि गढ़वाल के लोग भूल चुके हैं कि वो कभी खस आर्य हुआ करते थे। इसलिए आप निश्चिंत रहें, खस साम्राज्य आप ही का है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखें कि मुझे पता है कि हम खस आर्य हैं और आप तो जानते ही हैं कि हम भविष्य में होने वाली संभावनाओं को बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो आपको बता देते हैं। तो हमारा कोई भरोसा नहीं। कल के दिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि खस साम्राज्य नेपाल का नहीं था बल्कि गढ़वाल का था, क्योंकि खस साम्राज्य में जो जातियाँ थी वो गढ़वाल से ही नेपाल में गई थी। गढ़वाल हुआ, हिमाचल हुआ, कश्मीर हुआ। लेकिन दोस्तों चिंता ना करें, हमारे यहाँ सब भूल चुके हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी सब भूल चुके हैं कि हम खस आर्य हैं। इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खस जो साम्राज्य है वो आप ही का है और गढ़वाल की तरफ से खस साम्राज्य मेरा है। गढ़वाल में केवल मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो खस साम्राज्य को अपना बता रहा हूँ, क्योंकि खस साम्राज्य की स्थापना करने वाली जो जातियाँ थी वो हमारी जातियाँ थी। हमारी जातियाँ गई नेपाल में और सिंजा या सिंजा वैली जो है जुमला में जो है वहाँ पे हमारी जातियों ने अपनी राजधानी बनाई। नेपाल की मूल जातियों को हरा के, यानी कह सकते हैं कि नेपाल का जो विशाल साम्राज्य खस साम्राज्य था
उसकी स्थापना हमारे यानी गढ़वाली हिमाचली कश्मीरियों के पूर्वजों ने की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बुरा लगा हो तो माफ कीजिए। आपको तो पता होगा दोस्तों, हम कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करते हैं लास्ट में कि आपको थोड़ा चुभ जाए। धन्यवाद।